अगर आपके पास भी सैमसंग एंड्रॉयड स्मार्टफोन है या सैमसंग एंड्रॉयड स्मार्टफोन न्यू मार्केट से परचेज करके आप आए हो और किसी कारणवश पासवर्ड पैटर्न पिन चेंज करने के दौरान आप अपना पासवर्ड को पैटर्न को पिन को लगाकर भूल चुके हो और आप अपना पासवर्ड पैटर्न पिन आपको याद नहीं है। फाइनली आपका फ़ोन इस प्रकार से लॉक हो चुका है, जैसा कि इस सैमसंग एंड्रॉयड स्मार्टफोन में पैटर्न लॉक है। आपके पास पासवर्ड है या पिन है, तीनों लॉक हम जो मेथड अभी आपको बताएंगे उस मेथड से आप अपना सैमसंग मोबाइल का लॉक को अनलॉक कर सकते हो फ्रेंड, घर बैठे बिना सर्विस सेंटर गए। फ्रेंड जब आपका फ़ोन इस प्रकार से लॉक हो जाता है फाइनली और अनलॉक नहीं होता है, तब जाकर आपने इस वीडियो को ओपन किया है, क्योंकि हमने अपना थंबनेल में साफ साफ लिखा है सैमसंग मोबाइल का लॉक कैसे तोड़े। तो फ्रेंड जब आप इस सिचुएशन में अपने फ़ोन को लेकर सर्विस सेंटर या रिपेयर मोबाइल दुकानदार के पास जाओगे, और जाते भी हो क्योंकि आप लोग के पास कोई अदर ऑप्शन होता नहीं है, जब वहाँ पे जाओगे तो आपको वहाँ पे पैसा देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा और आपके फ़ोन के अंदर जो डाटा है वो डाटा टोटल का टोटल देना पड़ेगा, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले डाटा डिलीट कर देते हैं और वो फ़ोन में आपके कौन सा वर्क करेंगे ये कभी नहीं दिखाएंगे। आपसे पैसा भी लेंगे, समय भी लेंगे और डाटा भी डिलीट कर देंगे और जो भी वर्क करेंगे आपको कभी नहीं दिखाएंगे। लेकिन फ्रेंड अगर आप चाहते हो कि आपका सैमसंग एंड्रॉयड स्मार्टफोन अनलॉक हो जाए घर बैठे बिना पैसा दिए बिना सर्विस सेंटर गए, तो आप इस वीडियो में बने रहना फ्रेंड, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वो मेथड बताने आए हैं अप्रैल मंथ का, जिस मेथड को अगर आप भी अपने सैमसंग एंड्रॉयड स्मार्टफोन में अप्लाई करते हो तो आपका भी सैमसंग एंड्रॉयड स्मार्टफोन अनलॉक होता है और वो भी विदाउट डाटा लॉस होता है। सर्विस सेंटर वाले आपका एक भी डाटा नहीं छोड़ेंगे, डाटा बोले तो फैमिली फोटो, फैमिली ऑडियो, फैमिली वीडियो, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एप्लीकेशन, ऐप, गेम, जो भी आप रखते हो वो टोटल का टोटल डिलीट कर देंगे। लेकिन हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे और बताएंगे कैसे डाटा रिकवर किया जाता है और कैसे सैमसंग मोबाइल का लॉक तोड़ा जाता है। तो आई फ्रेंड मैं बिना टाइम लिए इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर आप लोग भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि कभी भी ऐसा सिचुएशन आप लोग के सामने आए तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके हमसे हेल्प ले सकते हो। और इस वीडियो में ना ही आपका फ़ोन का एक डाटा डिलीट होगा और ना ही आपको फॉरगॉट पासवर्ड या हार्ड रिसेट करने की आवश्यकता पड़ेगी। हम आपको तीन कोड देंगे और उसी तीन कोड की मदद से आपको अपना सैमसंग फ़ोन अनलॉक करना है। तो आइए फ्रेंड मैं बिना टाइम लिए इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर आप लोग भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि कभी भी ऐसा सिचुएशन आए तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके हमसे हेल्प ले सकते हो। फ्रेंड जब आप अपने स्क्रीन के ऊपर स्वीप अप करोगे आपके फ़ोन में पैटर्न होगा तो पैटर्न शो करेगा, पिन होगा तो पिन शो करेगा, पासवर्ड होगा तो पासवर्ड शो करेगा, जैसा कि यहाँ पे पैटर्न है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप अपना पैटर्न डालने के अलावा कोई वर्क नहीं कर सकते हो। आप यहाँ पैटर्न ट्राई करोगे सेकंड शो करेगा, क्योंकि वो रॉन्ग पैटर्न होगा। बार बार वही पैटर्न ट्राई करोगे फिर मिनट शो करेगा। ऐसे में आपका फ़ोन और भी धीरे धीरे डेथ होता चला जाता है। आप एक बार इस पेज पर देखना अच्छे से, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ आपको कोई ऑप्शन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। जब ध्यान से देखोगे फ्रेंड तो आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा जो ऑप्शन है इमरजेंसी SOS का। बहुत सारे सैमसंग फ़ोन में इमरजेंसी कॉल का भी ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ पे आपको इमरजेंसी SOS दिख रहा है, तो यही इमरजेंसी कॉल है, इसी को इमरजेंसी कॉल भी कहते हैं। आपको यहीं पे क्लिक करना है, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन है भी नहीं इसके अलावा, तो हम डायरेक्ट यहीं पे क्लिक करेंगे इमरजेंसी SOS पे, जिसे इमरजेंसी कॉल भी कहा जाता है। अब आपके सामने एक न्यू डायलॉग ओपन हो चुका होगा। अगर नहीं भी हुआ फ्रेंड तो नो डाउट ये ग्रीन कलर का जो ऑप्शन देख रहे हो ना फ्रेंड, यहाँ पे इस पे आप क्लिक करो। जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक न्यू डायलॉग ओपन हो चुका है। आप देख सकते हो आपके सामने एक न्यू डायलॉग ओपन हो चुका है। तो बस इस न्यू डायलॉग में फ्रेंड हम आपको तीन कोड देंगे और तीनों कोड आपको सही तरीके से देखना है और उस कोड को सही तरीके से आपको अपने फोन में भी डायल करना है। स्टार है 087596, स्टार है 0879, स्टार है। ये कोड FRP कोड है, जिस कोड के मदद से आप किसी भी सैमसंग फ़ोन का FRP लॉक रिमूव कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड कि मोबाइल का लॉक तोड़ने के लिए सबसे पहले उस फ़ोन का FRP लॉक रिमूव किया जाता है, तो इस कोड की मदद से आप अपने सैमसंग मोबाइल का FRP लॉक रिमूव कर सकते हो। तो इस कोड को आपको ओनली वन टाइम अपने सैमसंग एंड्रॉयड स्मार्टफोन में कॉल करना है। कॉल पे क्लिक किए, कॉल फील्ड का मैसेज आया, उसको ओके किए, ये वन टाइम आपका कॉल कंप्लीट। अब इस कोड को आपको एक एक करके हटा लेना है। फर्स्ट कोड से आपका FRP लॉक रिमूव हुआ, अब हम आपको ये सेकेंड कोड दे रहे हैं फ्रेंड।
कोड ठीक है, इस कोड को आपको सही तरीके से देखना है और अपने सैमसंग एंड्रॉयड स्मार्टफोन में डायल करना है और इस कोड को 3 टाइम कॉल करना है। ये कोड ऑफलाइन मूड कोड है, जिस कोड के मदद से हम आपका डाटा रिकवर करके देंगे, जो डाटा सर्विस सेंटर वाले पैसा और समय लेने के बाद भी आपको रिकवर करके नहीं देते हैं। हम आपको यहाँ पे फ्री में बताएंगे कैसे सैमसंग मोबाइल का डाटा रिकवर किया जाता है। इस कोड को 3 टाइम कॉल कीजिए, ओनली 3 टाइम कॉल पे क्लिक कीजिए, कॉल फील्ड का मैसेज आएगा उसको ओके कीजिए, 1, 2 एंड देन 3। अब इस कोड को डायरेक्ट रिच कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड कि मैं जो भी इस वीडियो में कोड दे रहा हूँ वो कोड को अगर आप लोग एक अंक एक डिजिट भी गलत डायल करते हो, तीनों में से तीनों कोड का एक कोड भी गलत डायल कर देते हो तो आपका तीनों कोड बेकार हो जाता है फ्रेंड। इसीलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं जो भी कोड आपको दे रहा हूँ उस कोड को आपको सही तरीके से देखना है फ्रेंड, सही तरीके से देखना है और कोड में कोई मिस्टेक नहीं करना है। ये आपका लास्ट कोड आ गया, ये आपका लास्ट कोड आ गया गूगल मास्टर अनलॉकिंग कोड, जिस कोड के मदद से आप इस मंथ में अभी तक, अगर ये कोड अगले मंथ में भी एक्टिव होगा तो हम आपको बता देंगे, लेकिन इस मंथ में ये कोड एक्टिव है और इस कोड को आप भी अपने सैमसंग एंड्रॉयड स्मार्टफोन में डायल करो और 7 टाइम कॉल करो, ओनली 7 टाइम। पासवर्ड, पैटर्न, पिन, फिंगरप्रिंट लॉक, स्क्रीन लॉक, सारा लॉक सैमसंग मोबाइल है तो इस कोड को डायल करके आप 7 टाइम कॉल कर लो, सारा लॉक आपका रिमूव हो जाएगा। कॉल पे क्लिक कीजिए, कॉल फील्ड का मैसेज आएगा उसको ओके कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन 7। अब इस कोड को हम डायरेक्ट इरेज करेंगे, होम बटन है, होम बटन पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हो फ्रेंड कि ये सैमसंग एंड्रॉयड स्मार्टफोन अनलॉक है, वो भी विदाउट डाटा लॉस है। इस फोन का एक भी डाटा डिलीट नहीं हुआ है। अगर आप अभी सर्विस सेंटर जाते, पैसा लगता, समय लगता और ये डाटा लगता, लेकिन मैंने पैसा बचाया, समय बचाया, डाटा बचाया। तो अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और आपके पास किसी भी कंपनी का फोन है, लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा है, मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कीजिए मॉडल नंबर के साथ, मैं आपका पूरा मदद करूंगा और 10 मिनट के अंदर अपना पासवर्ड, पैटर्न, पिन को चेंज कर लेना फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।